तस्वीरां पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दियां ने जिथे जबरदस्त हंगामा होया। विद्यार्थियों दे वल्लों पीयू प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के गर्ल्स होस्टल नंबर 4 दे विच शक्की नौजवान दाखिल होया। होस्टल की तीजी मंजिल के उत्ते ये शक्की नौजवान वेख्या गया। कुड़ियां ने रौला पाया। तस्वीरां सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हुई। कंध टप के नौजवान फरार होया। यूनिवर्सिटी की सुरक्षा नूं लैके सवाल उठे। सिक्योरिटी गार्ड ते अटेंडेंट सस्पेंड कर दिते गए ने। सो तस्वीरां पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दियां ने जिथे जबरदस्त हंगामा होया। विद्यार्थियों दे वल्लों पीयू प्रशासन दे खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी दे गर्ल्स होस्टल नंबर 4 दे विच शक्की नौजवान दाखिल होया। होस्टल की तीजी मंजिल के उत्ते शक्की नौजवान वेख्या गया। कुड़ियां ने रौला पाया। तस्वीरां सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हुई। गर्ल्स होस्टल की सुरक्षा नूं लैके सवाल उठे ने। इन्हां नूं पहला ही असीं अल्टीमेटम देता सी, असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मुद्दा जिहड़ा बहुत वड्डा मुद्दा है जी, परसों यूनिवर्सिटी दे विच कुड़ियां दे होस्टल दे विच उत्थे एक बंदा पहुँच जाता है, कमरे तक पहुँच जाता है। इन्नी सिक्योरिटी लैप्स होया है, कुड़ियां दे होस्टल मुंडे अलाउड नहीं हैं। 9:30 बजे तो बाद बाहर तक ही बैठ सकते हैं। कमरे दे विच वो पहुँच जाता है। पहुँचने तो बाद यूनिवर्सिटी अथॉरिटी उस गल नूं दबाने की कोशिश करती है। पिछले एक महीने के 30 लैपटॉप चोरी हो गए हैं। गड्डियां की बैटरी चोरी, बाइक चोरी हो रही है, गड्डियां चोरी हो रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहे। हुणे 15 मिनट पहला फिर कोई चोरी होगी, मामला बाहर नहीं आया। कुड़ी नूं कहा गया भी तू सुपना देख रही सी, तू बाहर ये गल कहनी है, तू मूवी देख रही सी, मूवी दे विच देखदी देखदी तैनूं सुपना आ गया, सुपने दे विच तू इंसीडेंट देखिया, कोई मुंडा आ गया सीगा, ये कोई रियलिटी नहीं है। जो भी इंसिडेंट हुआ सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दैट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक सचिन इज़ वेरी राइटली सेइंग वी नीड टू इम्प्रूव दी सिक्योरिटी। वट एवर दी लैप्सिस वर देयर, वी नीड टू ओवरकम दैट। हमें यूनिवर्सिटी का ओवरऑल माहौल जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है, सो दैट दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट शुड नॉट हैपन अगेन। माई सबमिशन इज दैट ओनली। एंड विद रिगार्ड्स टू दी जो आप चोरी की बात कर रहे थे हॉस्टल्स में भी, तो हॉस्टल्स में आज भी सर ने मीटिंग की है। जब वार्डन्स की मीटिंग हुई तो हमारे को बोला गया है कि आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है आप हमें बताइए, हम जल्द से जल्द फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पर्टिकुलरली ये दिया कि वी नीड मोर सिक्योरिटी गार्ड्स, एंड इसी तरह से 5 नंबर वार्डन थे उन्होंने भी सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट दी। इंटरनेशनल हॉस्टल से भी मैडम ने सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट दी, और प्लस हमने सीसीटीवी कैमरास फ्लोर वाइज डिमांड की। मैंने क्या किया था, मैंने अपने हॉस्टल में इस चीज़ की मैनेस को रोकने के लिए सारे पार्टी वर्कर्स की मीटिंग बुलाई, प्लस एडिशनली काउंसिल के जो मेम्बर्स थे प्लस रेजिडेंट्स को, तो उनको बुलाया गया, उनसे सजेशंस पूछे गए कि वट आर दी थिंग्स दैट कैन बी डन सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन दी सिक्योरिटी एनहेंसमेंट। तो बच्चों ने जो भी सजेशन दिए, मेरे पास में 7 key points थे, तो उन पे उसी दिन एक्शन टेकन रिपोर्ट 13 अप्रैल को लगा के और मैंने नोटिस बोर्ड पे लगाया। जो जो जहाँ पर जैसे उसमें कुछ रिक्वायरमेंट थी कि बैक गेट पे भी वी नीड 1 more सिक्योरिटी गार्ड, तो उसका भी मैंने इनको चिट्ठी भी लिखी, और आज भी DSW सर को, रजिस्ट्रार सर को इन्फॉर्म किया कि वी नीड मोर सिक्योरिटी गार्ड सो दैट बैक पे भी। कई बार क्या है कि यही गार्ड हैं जिनको कि हॉस्टल में मोटर भी बंद करनी है, जिनको कि पीछे अगर आपने बंद किया हुआ गेट, कैंटीन में कोई सामान आता है, मेस में कोई सामान आता है, तो इनको जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे कई बार लाइकली चांस होता है कि कोई आउटसाइडर आ गया और आपके मतलब देयर कैन बी चांसेस ऑफ थेफ्ट। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए वी नीड मोर सिक्योरिटी गार्ड, ये हमने रिक्वायरमेंट दी है, प्लस एडिशनल कैमराज की बच्चों ने बोला था कि फ्लोर वाइज होना चाहिए, तो आज हमने सर को रिक्वायरमेंट दे दी है, एस्टिमेट बना के दे रहे हैं हम, और उसके बाद में फ्लोर वाइज कैमराज होंगे सो दैट कि थोड़ा सा उस थेफ्ट को कव किया जाए, क्योंकि कॉरिडोर मेन कवर हो जाता है बट जब फ्लोर पर आता है फ्लोर पर कोई भी सीसीटीवी कैमराज नहीं है, तो इस चीज़ को रोकने के हमने ये स्टेप लिया है। प्लस एडिशनली मेरे को स्टूडेंट्स ने बोला था कि आप एक एडवाइजरी जारी कीजिए 9-10 pages की, वो भी मैंने बच्चों से लिखवा के फ्रेम करा के कि व्हाट आर दी पॉइंट्स, इफ आई एम मिसिंग समथिंग यू नीड टू मेक मी राइट, सो वो सारे 10-11 points थे वो किया। प्लस एडिशनली ऑन माय ओन बिकॉज आई एम ए प्रोग्राम ऑफिसर विद NSS ऑल्सो, तो मैंने स्टूडेंट्स को, कई बच्चे क्या कर रहे थे आई कैन टेल यू, एक जो लास्ट प्रीवियस बच्चों ने रिपोर्ट किया कि मेरे लैपटॉप चोरी हुए हैं, तो जब मैंने उनसे पूछा प्राइमा फेस आई कि आपने कीज कहाँ रखी थी, तो बच्चे बोल रहे हैं हमने टॉप पे रखी है, तो मैंने उनको कहा कि आपको अभी भी दैट मींस देयर इज ए नीड टू बी यू नो स्प्रेड मोर अवेयरनेस कि आपको कीज वगैरह या इस तरह की छोटी छोटी, तो आई हैव पिक्चर्स विद मी ऑल्सो, मैंने ये DSW के साथ में भी शेयर की। मेरे NSS के स्टूडेंट्स ने, वॉलंटियर्स ने एक पूरी अवेयरनेस ड्राइव की, उन्होंने 3-4 घंटे खड़े होकर पैम्पलेट्स लेके और बच्चों को अवेयर किया कि भैया डोंट कीप योर कीज ऑन दी यू नो टॉप, एंड अगर आप घर जा रहे हैं तो बेटर है कि
अगर चोरियाँ हो रही हैं तो आप थोड़ा सा अभी के लिए एक्सटेंडेड वीकेंड्स में अगर आप अपना लैपटॉप अपने साथ रख लें, कुछ इस तरह से एडवाइजरी थी, वो नोटिस बोर्ड पर भी जारी हुई, प्लस मैंने और स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनमें भी स्प्रेड किया। और जी सब तो बड़ी गल है, चलो चोरियाँ चोरियाँ तो कह रहे हो रोक लो, पर आज जो आवारा गर्दी है ये कही सारी चीज़ा जी हुक्का शराब इधर भी आवारा गर्दी जी इन्नी बड़ी यूनिवर्सिटी के सर मुझे लग रहा है अगर आउटसाइडर की एंट्री जिस दिन कंट्रोल हो जाएगी अच्छे से तो सब चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक स्ट्रिक्ट एंट्री फॉर द आउटसाइडर और डेफिनेटली सर डेफिनेटली मुझे जो एक पॉइंट लग रहा है कि हमने जब 24x7 आज की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था वार्डन्स की जब DSWs के साथ में मीटिंग थी कि हमने 24x7 में हम आ तो गए बट आई थिंक सब वही पार्ट है, सिस्टम वही चल रहा है, तो आई थिंक वी नीड टू डेवलप मोर SOPs कि अगर 24x7 हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, मेजर चेंज हुआ है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होने की जरूरत थी, वो शायद कहीं ना कहीं हमारे से रहा है। तो आज भी DSW वुमेन ने स्पेसिफिकली बोला है कि हमें स्ट्रिक्ट आज SOPs बनाने हैं, आई थिंक सून दे वुड फ्लोट दैट, सो दैट वुड कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर वर्कआउट करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि ये चीज़ें यहीं खत्म हो और इस सेफ एनवायरनमेंट हो। आई ऑल्सो वॉन्ट नहीं, जो फ्रीडम लड़कियों को दी गई है, राइट ऑफ फ्रीडम वो सबका है, इसमें हम कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स को जो भी 24x7 दिया गया है वो डेफिनेटली वैसा ही रहेगा, बट हम सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। चंडीगढ़ तो ब्यूरो रिपोर्ट NC7 न्यूज़।